हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का एक नए सेशन में फिर से आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैंने लगभग जनजाति थे जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चाहे आप SI के मेन्स की बात करें, PSC प्री के, चाहे व्यापम के, तो सभी एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया है। तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, नदियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में नदियों से भी क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे यहाँ पे आपके PSC प्री के लिए। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपके CGPSC 2013 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी, महानदी, आपका डी है मान नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी। याद रखिए, इनको सभी को पता होगा। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी महानदी आपकी है, याद रखिएगा। तो उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन इसका, तो आपके सिहावा पर्वत, जो सिहावा पर्वत के फर्जिया नामक स्थान से, आपके धमतरी जिला से होता है, धमतरी से। तो याद रखिए इसका जो मुहाना या विसर्जन कहाँ पे है, तो आपके कटक उड़ीसा के जो निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके कुल लंबाई कितना है, तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिए 286 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि बहती है। टोटल 286 छत्तीसगढ़ की लंबाई है। बाकी जो आपके छत्तीसगढ़ के बाहर में इसका ओरिजिन हो जाता है। इसका देखिए जो स्थित कौन कौन से शहर हैं महानदी के, तो राजिम आपके जो गरियाबंद में आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है, सिरपुर, महासमुंद, शिवरी नारायण और चंद्रपुर, जांजगीर चांपा आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके जो नामकरण के बारे में एक बार देख लो, तो प्राचीन काल में इसका नाम कनक नंदनी कहा गया है। तो याद रखिएगा सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है, और आपके द्वापर युग में स्कंद पुराण में कहा गया है चित्रोत्पला इसको कहा गया है। वर्तमान में इसको महानदी के हम नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, और यहाँ से कौन कौन से संगम पे आपका जो राजिम गरियाबंद है इसको छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहते हैं। आपके महानदी, पैरी नदी और सोंदूर नदी इसके किनारे बसा हुआ जो जगह है आपके राजिम। तो जो यहाँ पे मेला भी आयोजन अभी स्टार्ट हो गया है, तो मेला भी यहाँ पे लगा है। तो महानदी, पैरी और सोंदूर पे बसा है आपका राजिम, जो कि आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। वहीं बात करो शिवरी नारायण, ये आपके जांजगीर चांपा जिला में आता है। इसमें आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी, इन तीनों संगम पर आपका जो कि शिवरीनाथ शहर बसा हुआ है। तो ये भी यहाँ भी मेला जो कि स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं चंद्रपुर, आपके जांजगीर चांपा में आता है। इसमें महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये तीनों के संगम पर आपका चंद्रपुर शहर बसा है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित कौन सा शहर है। तो आपका दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा, तखतपुर, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो आमनेर, मुस्का और जो पिपरिया नदियों के संगम पर जो बसा जो शहर है आपका कौन सा है, तो आपका खैरागढ़, राजनांदगांव। याद रखिए आमनेर, मुस्का और पिपरिया ये तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, राजनांदगांव, खैरागढ़। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो कालाहांडी उड़ीसा में, बैलाडीला पहाड़ी में, देवगढ़ की पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कालाहांडी उड़ीसा। तो इंद्रावती नदी का जो उद्गम स्थल कालाहांडी उड़ीसा को कहा जाता है उद्गम स्थल। याद रखिए इंद्रावती नदी। और यहाँ पे बात करो इंद्रावती नदी की, इसके जो प्राचीन नाम है मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है। उद्गम कहाँ में होता है, तो मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, उड़ीसा में इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है, तो आपके भद्रकाली जो नामक जगह है यहाँ के निकट गोदावरी नदी में इसका आपका विसर्जन होता है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिए इंद्रावती नदी, तो 264 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इसके प्रवाह क्षेत्र जहाँ पे इन लोग प्रवाह करता है आपके इंद्रावती नदी।
याद रखिए इसके ऊपर जलप्रपात भी बना है, चित्रकूट जलप्रपात इस पर बना, और इंद्रावती नदी जो आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो इंद्रावती, हसदो, महानदी, शिवनाथ नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, याद रख। तो दुधवा जलाशय का जो निर्माण आपके महानदी पर किया गया है, कौन से स्थान पर दुधवा जलाशय है? तो आपके धमतरी में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1962 में इसके दुधवा जलाशय का निर्माण किया गया था, और नदी महानदी पर निर्मित धमतरी जिले में स्थित है, याद रखिए। इस बांध जो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र के पश्चात इसको निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। आपके दुधवा जलाशय कहाँ पे है? तो आपके धमतरी में स्थित है, 1962-63 में इसकी स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो हसदो नदी, महानदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी। तो मनियारी जो नदी है आपकी किसकी सहायक नदी है? तो आपके शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, याद रखिए। इसका उद्गम मनियारी नदी कहाँ से होता है? तो पेंड्रा लोरमी जो पठार, यहाँ से आपके मुंगेली जिला से सिहावल पर्वत से इसका पेंड्रा लोरमी पठार से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका कहाँ से होता है? विसर्जन तो इसका मत्कुद्वीप के जो निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। तो याद रखिए इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है, याद रखिएगा। प्रवाह क्षेत्र मुंगेली और बिलासपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, और विशेषकर इस नदी किनारे अमेरिका का जो तालागांव जो इसी के किनारे बसा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, या डी आपके बिलासपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कांकेर जिला। कांकेर जिला भानु प्रताप और कांकेर आपके उद्गम है, तांदुला नदी का उद्गम जगह है, यहाँ से उद्गम होता है, भानु प्रतापपुर कांकेर जिला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर है तांदुला नदी की, प्रवाह क्षेत्र कांकेर, बालोद, दुर्ग, इस तरफ इसका प्रवाह क्षेत्र है, और जिसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है। तांदुला जलाशय बालोद यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना इसको कहा जाता है, और 1913 में इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की यह प्रथम परियोजना है और 1913 में इसको बनाया गया था तांदुला जलाशय को। कहाँ पे है? तो आपके बालोद जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा की आपके खोंडरी पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिहावा पर्वत। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो है महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत को कहा जाता है, और इसकी जो लंबाई है 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में 246 किलोमीटर बहती है, और सिहावा पर्वत के यहाँ से धमतरी से यहाँ से उद्गम होता है। तो मैंने जस्ट बताया है इसको, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुरी जो जलप्रपात है कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर में, महासमुंद में, या आपका सरगुजा जिले में, या आपके डी है कवर्धा जिले। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जसपुर जिला, याद रखें। तो राजपुरी जो जलप्रपात है ये आपके जसपुर जिला में है, और इसके साथ ही आपके रानीदा जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात ये आपके जसपुर जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है राजपुरी जलप्रपात और रानीदा, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, ये जो जलप्रपात पूछे जाएंगे तो आपको आंसर में जसपुर लेना है। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जो जलप्रपात बस्तर जिले में कौन से नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। तो चित्रकूट जो जलप्रपात बना हुआ है जो कि आपके बस्तर जिले में स्थित है, ये आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है यहाँ पे बना हुआ है, और ये आपके जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी। तो याद रखिए इसको प्राचीन नाम मंदाकिनी नाम से इसको जाना जाता है। कुल लंबाई 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ कहाँ पे इसका प्रवाह क्षेत्र है? तो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर इसका प्रवाह क्षेत्र है इंद्रावती नदी का, याद रखिए। चित्रकूट जो जलप्रपात इसके ऊपर बना है आपके चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा, आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड नदी,
इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, याद रखिएगा, तो आपका जो महानदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है आपकी महानदी, याद रखिए। महानदी की बात करूँ तो इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और सिहावा पर्वत के यहाँ से धमतरी से इसका उद्गम होता है और छत्तीसगढ़ में 246 किलोमीटर यहाँ पे बहती है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थानों में कौन सा जो क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के आपके समवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो ये पेपर में CGPSC 2015 के पेपर में आया हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राजिम, सिरपुर, जो पलारी और शिवनान, ये जो महानदी है उत्तर के महानदी के समवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो याद रखिए राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवनान ये आपके उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी नदी है, तो महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ और डी है हसदो नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी आपके शिवनाथ नदी है, ना कि आपकी महानदी, तो ऑप्शन जो अगर पेपर में आ जाए तो आपको शिवनाथ नदी लेना है, याद रखिएगा। तो शिवनाथ नदी की बात करूँ, इसका जो उद्गम है आपके गोडरी गांव के जो गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है यहाँ से, याद रखिएगा। तो शिवनान के निकट महानदी के इसका मुहाना है और कुल लंबाई 290 किलोमीटर जो कि इसकी लंबाई है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो शिवनाथ लेना है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अब पूछा जाए तो आपको महानदी लेना है। तो यादरी प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है, तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, ये आपके 7 जिलों से होकर बहने वाले इसका प्रवाह क्षेत्र है शिवनाथ नदी की, तो याद रखिएगा। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, मोंगरा बैराज परियोजना इस पर बनाया गया है जो कि आपके राजनांदगांव जिला में स्थित है। इसको प्राचीन नाम के नाम से इसको सुनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था पहले, याद रखिए, या शिवा नदी के नाम से इसको जाना जाता था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा किस नदी की सहायक नदी है, तो इंद्रावती, गोदावरी, सोन, महानदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, याद रखिएगा। तो सूखा आपकी जो नदी है किसकी सहायक नदी है, तो आपके महानदी की सहायक नदी है। तो सूखा नदी की बात करें, इसका जो उद्गम है आपके तुमगांव महासमुंद, यहाँ से उद्गम स्थल है, और विसर्जन कहाँ पे होता है, तो महानदी में इसके विसर्जन होता है। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कोडार नदी इसकी सहायक नदी है, कोडार नदी पर कोडार परियोजना भी बनाया गया है, और यहाँ पे शहीद वीरनारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिला में बनाया गया है। तो याद रखिए सूखा नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो तुमगांव महासमुंद से इसका उद्गम होता है। तो इसका डी सूखा आपके कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आपकी महानदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का जो सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जो जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है, तो चित्रकूट जलप्रपात, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो राज्य का जो सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है, कहाँ पर स्थित है, तो आपके बस्तर जिला में स्थित है, याद रखिए। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बात करूँ, ये आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे चौड़ा इसको जलप्रपात कहा जाता है, लगभग 300 फीट है, याद रखिएगा, और सबसे बड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो सारे फैक्ट बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो याद रखिएगा। मौसम के कारण ये आपके पानी का रंग जो है बदलता रहता है, इसका जो मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी इसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी डोंगरी जो पहाड़ी में कौन सी नदी महानदी में मिलती है, तो जोंक, तेल, पैरी, बी और सी दोनों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, तेल नदी और पैरी नदी। तो पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी जो नदी है महानदी में जाकर मिल जाती है, तो आपका तेल नदी और आपका पैरी नदी। तो याद रखिएगा, इन दोनों जो नदी महानदी में जाकर मिल जाती है, तो ये आपके पानी डोंगरी पहाड़ियों में ये आपके जो दो नदी है महानदी में जाकर मिल जाती। तो वहीं मैं बात करूँ पैरी नदी के बारे में, तो पैरी नदी इसका प्राचीन नाम पलासनी इसको कहा जाता है, उद्गम कहाँ से होता है, आपके बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से, जो कि भातृगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। विसर्जन राजिम के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सुंडूर नदी इसकी सहायक नदी है और सिकासर परियोजना इसके ऊपर बना है 1995 में गरियाबंद में, यह आपके विश्व बैंक की सहायता से इसको
बनाया गया है, तो याद रखिएगा। और वहूँ मैं तेल नदी की बात करूँ तो आपके देवभोग तहसील गरियाबंद में ये आपके तेल नदी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो हसदो, मांड, शिवनाथ, जोक नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ, याद रखिएगा। तो मध्य जो महानदी बेसिन महानदी की आपका जो शिवनाथ सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है, याद रखिएगा शिवनाथ। शिवनाथ नदी की बात कर रहे हैं, इसका जो उद्गम है आपके गोडरी गाँव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से उद्गम होता है, और ये आपके मुहाना शिवनान के निकट महानदी में इसका मुहाना है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा शिवनाथ नदी के बारे में। और इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, मोंगरा बैराज परियोजना आपके राजनांदगांव में है, और इसको प्राचीन नाम सुनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था, तो याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो क्वेश्चन हम कल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाए, क्वेश्चन को आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, थैंक यू।